नथी जोवाती नथी सहवाती हिलना तुझ शासननी हिलना तुझ शासननी माँ तुझ खातर फना थई जाशू नथी परवा जीवननी नथी परवा जीवननी आशीष दे माँ जंग जीतवा केसरिया सौ करिए एनी रक्षा करवा का जे जीवन अर्पण करिए। जिन शासन की जब जब बात आती है तब एक शासन पुरुष एक शासन का भक्त उसकी याद पहले आती है। हाँ दोस्तों, युग प्रधान आचार्य सम पूज्यपाद पन्यास प्रवर श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब, जिन्होंने शासन के हर एक क्षेत्र के लिए, वो जिन मंदिर हो, जिन प्रतिमा, जिनागम श्रमण श्रमणी श्रावक या श्राविका, जीव दया हो, अनुकंपा हो या साधर्मिक भक्ति, हर एक क्षेत्र के लिए जिन्होंने पूरा जीवन उसके लिए कुर्बान कर दिया, और आज उनकी 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनको जो प्यारा था ऐसा शासन, उसके लिए हमें भी कुछ करने का संकल्प लेना है। उससे पहले हम ये तो समझे कि शासन क्या है। क्या हमारे जैन तीर्थ वह शासन है? क्या हमारे जैन संघ वह शासन है? क्या हमारी कुछ क्रियाएं वह जिन शासन है? नहीं दोस्तों, हमें पहले तो वह ज्ञान प्राप्त करना होगा कि जिन शासन यानी क्या। आज संकल्प करते हैं कि गुरुदेव के पास से हमारे जो भी गुरु हो, सभी पंच महाव्रतधारी गुरुदेव के पास से हम समझेंगे कि जिन शासन क्या है। वाहली गुरुमा युग प्रधान आचार्य सम पूज्यपाद पन्यास प्रवर श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब, जिनके दिल में भगवान महावीर देव का स्थान अनन्य था और भगवान के शासन का स्थान भी अनन्य था, वह गुरुदेव कहते थे कि शासन यानी तीर्थंकर परमात्मा को जो सभी पसंद है। तीर्थंकर परमात्मा ने जिन जिन जीव पर करुणा बरसाई है वह सब जिन शासन में है। यानी दोस्तों, इस समग्र 14 राजलोक में एक भी जीव जिन शासन के बाहर नहीं है। हाँ, ये दृष्टिकोण क्या हमने पहले समझा? शायद नहीं समझा। कहीं ना कहीं छोटे छोटे क्षेत्र में हमने जिन शासन को हमारी अल्पमति की वजह से बांट दिया। इस वक्त 10वीं पुण्यतिथि पर हम संकल्प करते हैं कि हम जिन शासन को समझने की कोशिश करेंगे, निर्मल ज्ञान प्राप्त करेंगे, और जिस भी व्यवस्था में हमारी स्किल्स है उसमें प्रदान करने से पहले हम गुणों से खुद को परिप्लावित करेंगे और बाद में शासन के उस क्षेत्र में हम काम करेंगे। यह गुण हमें मिलेंगे कैसे? शासन की किसी भी क्षेत्र के कार्य करने की एक बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? कषाय मुक्ति किल मुक्ति रेव, यानी क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष अहंकार से मुक्त करने का संकल्प, मुक्त करने की कोशिश करते हुए हमें किसी ना किसी क्षेत्र के कार्य करने हैं। पर ऐसे कषायों से हम मुक्त कैसे होंगे? हमारा स्वभाव, हमारा नेचर अच्छा कैसे होगा? उसके लिए हमें जाना पड़ेगा तीर्थंकर परमात्मा के शरण में, जो सभी कषायों से मुक्त है, जो सभी गुणों से युक्त है, और सभी 24 तीर्थंकर परमात्मा का स्मरण कोई एक सूत्र में अगर हम कर सकते हैं तो उसका नाम है लोगस महासूत्र, जिसे हम नामस्तव सूत्र के तौर पर भी जानते हैं। तिथ्ययरा में पश्यंतु, यानी सभी तीर्थंकर परमात्मा मुझ पर प्रसन्न हो, यह प्रार्थना इस लोगस महासूत्र में है। सभी 24 तीर्थंकर परमात्मा ने आंतर शत्रु को कैसे हराया, गौर से सुनिए। शासन की भक्ति और सेवा के लिए हमें आंतर शत्रु को हराना है, और बाहर कोई हमारा शत्रु है ही नहीं। ऐसे हमारे हृदय को विशाल बनाकर, जीव मैत्री को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाकर, और सभी के दृष्टिकोण को समझकर,
सभी जीवों को साथ लेकर जिन भगवंत का यानी अरिहंत परमात्मा का तत्व सबको कैसे समझाना और कर्म निर्जरा करते हुए आत्म कल्याण को कैसे पाना, यही तो है जिन शासन की सेवा। और उसी के लिए नामस्तव सूत्र लोगस महासूत्र के शरण में हमें जाना है। दसवीं पुण्यतिथि के अवसर पर सूरत अखिल भारतीय संस्कृति रक्षक दल और युग प्रधान ट्रस्ट ने एक बहुत ही प्यारा अभियान शुरू किया है कि गुरु मां कहते थे, युग प्रधान आचार्य सम पूज्यपाद पन्यास प्रवर श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब कहते थे कि कषायों को मुक्त करते हुए शासन की सेवा करनी है तो लोकस महासूत्र का ज्यादा से ज्यादा स्मरण कीजिए। हम ज्यादा स्मरण अगर नहीं कर पाते, उन्होंने बहुत ही प्यारा मार्ग बताया, सिर्फ हर रोज बार लोकस का काउसक करना है, जिससे 24 तीर्थंकर परमात्मा हम पर प्रसन्न होंगे। हमारी दिल से ये प्रार्थना होनी चाहिए कि भगवंत 24 तीर्थंकर परमात्मा हम पर कृपा करो, हम खुद के कषायों से मुक्त होने के लिए ही तो शासन की रक्षा और सेवा कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमारे क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष अहंकार से शासन की हिलना ना हो जाए, ऐसी कृपा दृष्टि हम पर रखो। तो आइए एक साल के लिए हम चैलेंज एक्सेप्ट करें, साल के 365 दिन में कम से कम 300 दिन संकल्प पूर्वक 12 लोगस का काउसक करें, किसी भी गुरु भगवंत के पास जाकर एक साल तक शासन की रक्षा और सेवा के लिए 12 लोगस का काउसक करने का संकल्प करें, धारणा अभिग्रह का पछखाण करें और इस शासन के दीपक में अपना भी धृत पूर्ण करके कुछ ना कुछ योगदान दें।